पुलवामा हमले का सच कबूल करने वाला पाकिस्तान अब बौखला गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री एजाज अहमद शाह ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलने वालों को भारत जाने की नसीहत दे डाली। एजाज अहमद शाह ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोलते हैं वो सीमा पार कर अमृतसर जाएं और वहीं रहें। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने सांसद अयाज सादिक पर भी हमला किया। अयाज सादिक ने ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान की सरकार और सेना की पोल खोली थी। अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो जो बात करता है उसको बॉर्डर के पास करता है, वो अमृतसर जाते रहे और पाकिस्तान में रहते हैं। बिहार के मोतिहारी की हनुमान चीनी मिल पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। लोगों ने 8 साल से बंद पड़ी इस चीनी मिल को फिर से खोलने की मांग की, क्योंकि ये चीनी मिल इस इलाके के लोगों को रोजगार देने का एक जरिया था। मोतिहारी के हनुमान चीनी मिल हम मौजूद है और इस चीनी मिल को खोले जाने का सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके के लोगों का है। इस मिल में काम करने वाले लोगों ने बताया कि पिछले कई चुनाव से यहां आने वाला हर नेता लोगों से इसे दोबारा शुरू करवाने का वादा तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। जितना प्रतिनिधि आते हैं सबको हम लोग बताते हैं, सब किसी को हम लोग बताते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों का दावा है कि इस मिल के दोबारा खुल जाने से इलाके के लाखों लोगों को फायदा होगा। एक चीनी मिल चल जाने से लाखों किसान और हजारों युवाओं में रोजगार हो जाएगा। चीनी मिल की वजह से इस इलाके में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इंग्लैंड की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी